Srimad Bhagavad Gita. एक ऐसा सार्वभौम सार्वजनीन ग्रंथ जो हर समय के लिए हर स्थान के लिए और हर व्यक्ति के लिए समान रूप से उपयोगी प्रेरणा का काम करता है। कहीं कोई पक्षपात नहीं इस ग्रंथ में, कहीं कोई भेदभाव नहीं इस ग्रंथ में, कहीं कोई संकीर्णता नहीं इस ग्रंथ में। बहुत खुला, बहुत व्यापक, बहुत उदार ग्रंथ। और विशेष बात यह है कि सीधा सीधा जीवन से जुड़ा हुआ ग्रंथ। ये सत्य है कि गीता उपदेश को 5152 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, लेकिन यह भी सत्य है कि श्रीमद् भगवद् गीता जितनी 5152 वर्ष पूर्व उपयोगी प्रेरणा अपने में लिए हुए थी, उतनी ही आज भी, जितना प्रासंगिक रेलेवेंट यह ग्रंथ तब था उस अर्जुन के लिए, उससे कहीं कहीं अधिक आज है। वस्तुतः तब एक अर्जुन था जिसके मन में मोह, शोक, विषाद और फिर कर्तव्य से विमुखता की स्थिति बनी, लेकिन आज ढेरों स्थितियां, ढेरों उदाहरण और एक व्यापक स्वरूप, हमें लगता है ऐसा कि अर्जुन में कहीं भी ये दोष थे नहीं। अर्जुन अपने आप में पूर्ण व्यक्तित्व का नाम था हर दृष्टि से। आप कोई भी लक्षण जो मनुष्य जीवन में आवश्यक होना चाहिए वो सब आप अर्जुन में पाएंगे। सब कुछ अर्जुन समय की स्थितियों के अनुसार विनम्रता में भी उसमें कमी नहीं, और जब आवश्यकता पड़ती है उसका साहस, उसका आत्मविश्वास और आत्मविश्वास की दृढ़ता उसमें भी कहीं कमी नहीं, परिस्थिति के अनुसार। और यह होना चाहिए। कई बार होता है कि जहां आवश्यकता है कुछ आक्रोश की वहां हम नहीं कर पाते, और जहां नहीं है वहां होने लगता है। जहां आवश्यकता है विनम्रता की वहां हम अहम दिखाते हैं, और जहां आवश्यकता है कुछ स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने के वहां हम कमजोर पड़ जाते हैं। जीवन के संदर्भ में यह तालमेल बिठाना भी आवश्यक है कि कहां किसके आगे विनम्र होना है और कहां
हमें अपने स्वाभिमान को बना करके रखना है। अर्जुन में ये आप सब पाएंगे। विनम्रता की जहां बात है वो परम विनम्र है, परम विनम्र। उसके कई उदाहरण हैं। विराट में जिस समय एक युद्ध का अवसर आया, पांचों पांडव उस समय अपने अज्ञातवास का समय पूरा कर रहे थे। लगभग समय पूरा होने को था, कुछ ही दिन, दो तीन दिन शेष थे। एक दुर्बुद्धि, दुर्योधन नाम ही दुर्बुद्धि का है, वहां गीता में शब्द भी धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि शब्द भी आया है, और उसके अंदर ऐसी दुर्बुद्धि फिर जगी कि अज्ञातवास पूरा हो गया तो फिर पांडव कहीं ना कहीं राज्य मांगेंगे, आएंगे, कठिनाई होगी। उसे लगा कि कुछ ऐसा वातावरण बनाया जाए कि पांडव का अज्ञातवास बीच में ही पांडव पहचान लिए जाएं और नियमानुसार उन्हें फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में भेज दिया जाए। प्रयास फिर से होने लगा। दुर्योधन की दुर्बुद्धि ऐसी योजनाओं में तत्पर होने लगी। लगा कि विराट के यहां हैं, वातावरण ऐसा बनाया गया, विराट की गौएं चुरा ली गई, हजारों गौएं, और उसके बाद युद्ध का वातावरण बना। अर्जुन ब्रह्मनला के रूप में वहां था, विराट को एक तरफ भेज दिया गया, विराट का पुत्र जो उत्तर नाम से वो इधर आया, ब्रह्मनला को सारथी बनाया। सामने सब थे, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, दुर्योधन, करण, कृपाचार्य, सब सामने थे। उत्तर डरकर भागा, ब्रह्मनला अर्जुन कमान संभाली। लेकिन वहां जो बात हम कहने वाले थे वो ये विशेष रूप से कि अर्जुन अपने अर्जुन रूप में नहीं था, ब्रह्मनला के रूप में। सामने देखा पितामह, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य सब। अर्जुन ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण छोड़ा, और पहला बाण जो अर्जुन ने छोड़ा वो बाण पितामह और आचार्य द्रोण के चरणों के पास जाकर के गिरा। अर्जुन ने फिर प्रत्यंचा चढ़ाई, दूसरा बाण छोड़ा, और वह बाण पितामह और आचार्य द्रोण के कानों के पास होकर के निकल गया। आचार्य द्रोण ने पितामह की ओर देखा, पितामह आचार्य द्रोण की ओर देख करके मुस्कुराए और सांकेतिक भाषा में पितामह ने कहा कि आचार्य लगता है कि कहीं ये अर्जुन ही तो नहीं, क्योंकि ऐसी बुद्धिमत्ता अर्जुन के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। आचार्य द्रोण ने पूछा, अभिप्राय क्या था, ये जो दो बाण छोड़े गए अभिप्राय क्या था इसका? पितामह ने कहा, आचार्य अर्जुन ने जो पहला बाण छोड़ा वो अर्जुन ने हमारे लिए अपना प्रणाम निवेदित किया है चरणों के पास बाण छोड़ करके, और जो दूसरा बाण अर्जुन ने छोड़ा जो कान के पास से निकला, क्योंकि लगभग 13 वर्ष के बाद मिलना हुआ है अर्जुन ने, इस माध्यम से हमारी कुशल क्षेम पूछी है, कान के पास से बाण को निकालकर युद्ध की भाषा। अब देखें, एक तरफ कुल के जो वयोवृद्ध हैं पितामह भीष्म हैं,
और एक तरफ गुरुदेव आचार्य द्रोण हैं, खड़े हैं विपक्ष में, आए हैं युद्ध करने के लिए, लेकिन तो भी अर्जुन ने अपनी विनम्रता का और परंपरा का त्याग नहीं किया। अर्जुन ने बाण छोड़ करके अपनी परंपरा निभाई, विनम्रता दिखाई कि भले ही गुरुदेव और पितामह विपक्ष में खड़े हैं, लेकिन मेरा इस समय कर्तव्य क्या है। अर्जुन में आप पाएंगे ढेरों ढेरों दिव्यताएं, लेकिन यहां महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन बिल्कुल ऐसी स्थिति में आ गया, घबराया हुआ सा, लड़खड़ाया हुआ सा, एकदम मोह के अधीन। ऐसा भी नहीं था कि अर्जुन का यह पहला युद्ध था, ऐसा भी नहीं था कि अर्जुन शारीरिक या मानसिक रूप में बहुत कमजोर हो चुका हो, जो एकदम लड़खड़ा गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। सातवें अध्याय में गीता के कृष्ण बड़ी स्पष्ट बात करते हैं, वेदाहम समतीतान वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं पार्थ, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है गीता का, सातवें अध्याय का 26वां। पार्थ, अतीत में जो कुछ हुआ, वेद अहम समतीतान, भविष्य में जो कुछ होगा और वर्तमान में जो हो रहा है, अर्जुन मेरे से कुछ भी छिपा हुआ नहीं, मेरे से कुछ भी ओझल नहीं, मैं सब कुछ जानता सब कुछ। और इसीलिए भगवान ने भविष्य के नबज को देखा और भविष्य के नबज को देख करके उसमें उन्होंने जो जो उन्हें लगा कि ये समस्याएं आने वाले समय में हो सकती हैं, उन सब का प्रतिनिधि अर्जुन को बनाया, वो सब समस्याएं अर्जुन में प्रकट कर दी और अर्जुन को मानव मात्र का प्रतिनिधि बनाकर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल ह्यूमन बीइंग, अर्जुन को प्रस्तुत किया। वरना सच में अर्जुन कभी कमजोर नहीं था, कहीं भी किसी भी रूप में कमजोर नहीं था अर्जुन। ये पहली बार थी महाभारत युद्ध में जब अर्जुन ये कहता हुआ सुनाई पड़ता है कि कृष्ण, मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है, मेरे अंदर कपकपी हो रही है, मेरे शरीर में जलन हो रही है, कृष्ण मेरा सर चकरा रहा है, मैं भ्रमित सा हो रहा हूं कृष्ण, और अपने आप को खड़ा नहीं रख पा रहा, मैं स्वयं को खड़ा नहीं रख पा रहा कृष्ण। निमित्तानि पश्यामि विपरीतानि केशव, सब कुछ विपरीत सा दिखाई दे रहा है मुझे। एक बात ध्यान रखें हम जीवन के लिए, को विचार ही उठाते हैं और विचार ही गिराते हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, गिरते हैं जब ख्याल तो गिरता है आदमी, जिसने इन्हें संभाला वो खुद संभल गया। विचार ही गिराते हैं, विचार ही उठाते हैं। आप कभी देखना, जिस समय विचारों में कुछ नेगेटिविटी नकारात्मकता आएगी, एकदम आप पाएंगे कि जैसे उदासी सी, निराशा हताशा, ये एकदम हावी होने लगेगी जैसे ही विचार नेगेटिव होने लगेंगे। और दूसरा पक्ष, ज्यों ही कोई विचार हमारा एकदम अंदर से उठेगा, जैसे कल एक बात थी कि बाल्टी कुएं में रस्सी का सिरा हाथ में है, खींचा और बाल्टी बाहर आ गई, और एक विचार, कल हम रात्रि में कहीं बैठे, कोई बात चली तो किसी एक ने कहा,
कि महाराज कोई चिंता नहीं, रस्सी का सिरा हाथ में है, अब तो हम मजबूती से बाल्टी को खींच ही लेंगे। अब ये विचार है, विचार बना, विचार उठा, विचार ने एक सकारात्मक करवट ली, जीवन संभल गया। और भगवद गीता विचारों को सकारात्मक बनाने वाली प्रेरणा। कल एक बात प्रारंभ की गई थी कि गीता जीवन जीने का ढंग है, और उस ढंग में ये संकेत भी है कि सबसे पहले हमें यह समझना है कि हमारा जीवन क्या है, ये हमारा जीवन क्या है। जब तक ये नहीं समझ आएगा कि जीवन क्या है, जीवन जीने का ढंग कैसे सीखा जा सकता है और कैसे समझा जा सकता है। गीता ऐसा जीवन ग्रंथ है जो हृदय की ग्रंथियों को खोलने का, ग्रंथियां कहते हैं गांठें, खोलने में पूरी तरह सक्षम है, पूरी तरह सक्षम। गीता एक ऐसी दिव्यता है जो जीवन क्या है और जीवन को कैसे जीना है उसको पूरी तरह तर्क संगत ढंग से किसी को भी समझाने, प्रेरित करने में सक्षम है। और यही कारण है कि विश्व भर के उदार चिंतकों ने भगवद गीता के चिंतन को खुले मन से स्वीकारा, और हर क्षेत्र के, भले वो विज्ञान क्षेत्र के चिंतक रहे, भले ही वो राजनीतिक क्षेत्र के चिंतक रहे हों, भले ही वो न्याय क्षेत्र में रहे हों, व्यवसायिक क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, लगभग सबने गीता को स्वीकारा। क्यों? क्योंकि गीता में, हमने प्रारंभ में कहा, कहीं कोई संकीर्णता है ही नहीं, बिल्कुल एक खुलापन है चिंतन का श्रीमद् भगवद गीता में। हमने कई बार एक बात कही कि भगवद गीता कई विचार गोष्ठियां जब हुई, कई चिंतन अभ्यास वर्ग जब गीता के कहीं कहीं हुए, हमने एक बात कही कि गीता अपने आप में संपूर्ण जीवन विज्ञान है, कंप्लीट लाइफ साइंस है गीता, कंप्लीट लाइफ साइंस। को जीवन में शरीर दिखाई दे रहा है, विचार जो करता है वो मन है, निर्णय जो करती है वो बुद्धि है मुख्य रूप से, और उससे आगे बढ़े जो सबकी संचालिका शक्ति है वो आत्मा है, वो चेतना है। जीवन की संपूर्ण स्थिति भगवद गीता के अनुसार बिल्कुल स्पष्ट ये है। और गीता में मुख्य रूप से तीन योग जो है, हाँ उसके बाद आगे जो समता की बात है, समरसता की बात है, सद्भावना की बात है, वह भी आप गीता में पाएंगे, और उसका सूत्र जो जीवन का आधार आत्मा चेतना। और ये निश्चित है कि समता, समरसता, सद्भावना वो जब भी आएगी केवल एक सूत्र के साथ आएगी। गीता ने कहा कि माला के मन के अनेक हैं, लेकिन अनेक मन के माला का रूप तभी ले पाते हैं जब एक सूत्र इन मनकों के अंदर होता है। अनेक मन के एक माला का रूप ले लेते हैं। गीता का सातवें अध्याय का सातवां श्लोक आप निकाल करके देखना, बहुत स्पष्ट चिंतन, मत्तः परत्रम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। अर्जुन, सृष्टि में मेरे से अतिरिक्त, मेरे से भिन्न किंचित भी कुछ नहीं है, किंचित। कण कण में वो है, क्षण क्षण में वो है, ऐसा कोई कण नहीं जब जहां वो नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं जब वो नहीं। और गीता का यह चिंतन यदि हम अपने साथ ले लें, आप देखेंगे कि जीवन में
एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी चेतना, ऐसा कोई कण नहीं जहां ईश्वर नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं जब ईश्वर नहीं। इसका अभिप्राय वो हर कण हर क्षण में है, और निकट लाए भावों को तो आप पाएंगे वो यही है, वो अभी है। और कहीं भी हम हैं, पंचकुला में हैं, चंडीगढ़ में हैं, कहीं बाहर हैं, अकेले हैं, भीड़ में हैं, कहीं भी हैं, ये चिंतन बन जाए कि मेरा ईश्वर मेरे से कहीं भी अलग नहीं, कभी भी अलग नहीं, वो यही है, वो अभी है, वो मेरे पास है, वो मेरे साथ है। और सच मानो ईश्वर को इसी रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता भी है। बहुत बार हम कहते हैं कि मंदिर में जाकर हम प्रणाम करें, अच्छा है, आस्था बनी रहनी चाहिए, परंपराएं बनी रहनी चाहिए, लेकिन इस सच्चाई को भी वहां से स्वीकार करके आना चाहिए कि ईश्वर केवल यही नहीं और केवल यही नहीं, केवल यही नहीं और केवल यही नहीं। कई बार जब धर्म के तत्वों को ठीक नहीं समझा जाता तो कभी कभी ऐसी स्थितियां, ऐसी कलह का वातावरण उपजा देती हैं कि यही ईश्वर, यही ईश्वर, कहीं नहीं कुछ नहीं हो, बस जो मैं मानता हूं वही ठीक। धर्म में इस संकीर्णता का स्थान है। मीरा के पास जब विष का प्याला आता है, दासी बता देती है, पहले छिपाती है, राणा ने चरणामृत भेजा है, रहा नहीं जाता, फिर बताए बिना बता देती है कि महारानी राणा मुझे भले ही फांसी दे दे लेकिन सत्य बताए बिना नहीं रह पा रहे, और सत्य ये है महारानी, ये चरणामृत नहीं, ये विष है, ये विष है। और उस समय मीरा का चिंतन उस विष के प्याले को देखकर जो बनता है, यहां से कई समाधान हम निकाल सकते हैं। एक तो यह कि यदि ईश्वर को इस रूप में स्वीकारा गया तो स्थिति क्या बन सकती है। एक यह कि ईश्वर यदि साथ है, ईश्वरीय भाव यदि मेरे चिंतन में है, वो मेरी ऊर्जा है, वो मेरा बल है, वो मेरी मुस्कान है। कहीं भी कभी भी ईश्वर को आप पूजा के रूप में लें, अच्छा है, माला के रूप में लें, अच्छा है, ईश्वर को आप पाठ के रूप में लें, बुरा नहीं, अच्छा है, लेकिन ईश्वर को अपने चिंतन की ऊर्जा बनाएं। और वास्तव में ईश्वर क्या है, वो रसो वही सार है, वो ऊर्जा है, वो बल है, वो ओज है, वो शक्ति है, वो सर्वस्व है। और जब हम चिंतन में उसे ले लेंगे, विचारों में ले लेंगे, आप पाएंगे विचारों में एक नई ऊर्जा के साथ जीवन को जिया जा सकेगा। परिस्थितियों की ऊहापोह में बिना घबराए, बिना उकताए, बिना डगमगाए, बिना लड़खड़ाए जीवन को मजबूती से जिया जा सकेगा, यदि ऐसा चिंतन, ऐसा भाव बन जाएगा। और चिंतन की स्थिति, सकारात्मक स्वस्थ चिंतन क्या परिणाम दे सकता है, यद्यपि हमारी भारतीय मनीषा में ढेरों ढेरों उदाहरण हैं हमारे महापुरुषों ऋषियों के जीवन में, कि चिंतन की वह उच्चतर उच्चतम स्थिति जहां चिंतन में सकारात्मकता है, जहां चिंतन स्वस्थ है, जहां चिंतन में ईश्वरीय ओज रमा हुआ है, वो कितने ऊंचे परिणाम दे सकता है, उसका एक उदाहरण मीरा के हाथ में विष का प्याला है, कान में समाचार पड़ जाता है कि चरणामृत नहीं विष है, मीरा घबराती नहीं, लड़खड़ाती नहीं, चिंतन और ऊंचा उठाती है, चिंतन को गिरने नहीं देती। और आप कभी भी जीवन में देखना, विपरीत परिस्थिति एक पक्ष है, कोई प्रतिकूलता एक पक्ष है, लेकिन जब उस प्रतिकूलता के साथ, उस विपरीत परिस्थिति के साथ मेरा चिंतन गिरने लग जाएगा, वह गिरा हुआ चिंतन जो है परिस्थिति गिराएगी ऐसा नहीं, वो विचार गिराएगा मुझे, जब विचार नेगेटिव हो जाएगा। स्वामी राम तीर्थ भारतीय संत परंपरा के एक अद्भुत ऊर्जा, उन्होंने एक जगह कहा
कि खंजर की क्या मजाल जो एक जख्म कर सके। चिंतन की बात, खंजर की क्या मजाल जो एक जख्म कर सके, तेरा ही है ख्याल जो घायल हुआ है तो। तेरे विचारों ने तुझे गिरा डाला, सोच। और इसीलिए हमारी भारतीय चिंतन परंपरा में सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार की दिव्यता को स्वीकारा गया। मीरा उस क्षण चिंतन बनाती है कि मेरे श्याम सुंदर, मेरे गिरधर गोपाल, यद्यपि मैंने तेरी पूजा जब मैं 5 वर्ष की थी तब से प्रारंभ की थी, एक स्वरूप में, एक विग्रह में, लेकिन मेरा विश्वास है मेरे श्याम सुंदर कि तू केवल वही नहीं, और केवल वही नहीं, वही बात, तू केवल वही नहीं और केवल वही नहीं, तू हर पल मेरे साथ है, तू कण कण में है, तू क्षण क्षण में है। और श्याम सुंदर जब तू कण कण में है तो मेरा यह भी विश्वास है कि ये जो विष का प्याला है कहीं ना कहीं तू इसमें भी होगा, कहीं ना कहीं तू यहां भी होगा। और इसीलिए लोग कहते हैं मीरा ने विष पिया, सच ये है कि मीरा ने विष को नहीं पिया, मीरा ने चिंतन में विष को आने ही नहीं दिया, मीरा ने चिंतन में अपने श्याम सुंदर को रमाए रखा, बसाए रखा, एक क्षण के लिए भी चिंतन से अपने गोविंद को अलग नहीं होने दिया। और सच ये था कि मीरा ने विष नहीं पिया, मीरा ने तो पिया ही गिरधर गोपाल को था, गिरधर गोपाल को पिया मैं चिंतन, कि जैसा चिंतन एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा सोचोगे वैसा भाव बनता चला जाएगा। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, हमारे शास्त्र प्रमाण, जैसा भाव। और कल कहा था भगवद गीता में तो बड़ी साफ बात है, श्रद्धा मयोयम पुरुषः युज श्रद्धा सा एव सा, ये पुरुष श्रद्धा में है, भाव में है, जैसा जिसका भाव है तो पुरुष वैसा है। भावों को ऊंचा, भावों में ऊंचाई ला। और बात चल रही थी कि कण कण में वो है, मत्तः परत्रम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। और अगली वाक्य में उत्तरार्ध में कहा इस श्लोक में, मयि सर्वमिदं प्रोत्तम सूत्रे मणि गणा इव। अर्जुन मैं इस संसार में वैसे ही रमा हुआ जैसे माला के मनकों में सूत्र, सूत्रे मणि गणा इव, जैसे माला के मनकों में सूत्र। और हम सब जानते हैं कि मनकों में सूत्र है तो ही ये मन के माला का रूप लिए हुए हैं। और जब सूत्र टूट जाता है, कई बार एक गीत कई माताएं कई भाई गुनगुनाते हैं, टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, कीमती हैं ये मोती बिखर जाएंगे। सूत्र टूट गया मन के बिखरेंगे, समता समरसता। गीता के अनुसार समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। गीता के कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरे लिए सब बराबर है, सब बराबर। गीता की ये दिव्यता यदि स्वीकार कर ली जाए सर्वत्र हर क्षेत्र में तो समरसता क्यों नहीं होगी, समता क्यों नहीं होगी, सद्भावना स्वतः क्यों नहीं स्वयं को मुखरित करेगी। गीता की इस दिव्यता को यदि स्वीकार कर लिया जाए, गीता के गोविंद कहते हैं मेरा किसी से द्वेष नहीं, मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब प्राणियों में सम हूं, बराबर हूं, एक जैसा। तो जीवन में 4 स्थितियां, एक आत्मा चेतना जो सब में बराबर है, सब में, वहां कोई प्रश्न नहीं, कोई जाति वर्ग वर्ण ऊंच नीच छोटा बड़ा
ये जो शब्द हैं नर नारी, ये शरीर की स्थितियां हैं, शरीर की स्थितियां, शरीर की प्रारब्ध, जहां तक चेतना का प्रश्न है। करंट तो एक ही है ना, गीजर में भी वही है, फ्रीजर में भी वही है, अंतर उपकरण का है, इंस्ट्रूमेंट का, इक्विपमेंट का अंतर है, करंट में अंतर नहीं है। हाँ, गीजर का इक्विपमेंट वैसा बन गया, उपकरण वैसा बन गया, गीजर ने पानी गर्म देना प्रारंभ कर दिया, फ्रीजर का उपकरण वैसा बना, फ्रीजर ने पानी ठंडा करके देना प्रारंभ कर दिया, करंट में अंतर नहीं। ऐसा नहीं कि गीजर में करंट अलग है और फ्रीजर में करंट अलग है, ऐसा नहीं, करंट द सेम, करंट एक ही है। साधुष्वपि चपापेशु संबुद्धिर विशिष्यते, गीता ने कहा, बुद्धि सम, चिंतन एक, भाव एक। जहां तक बात है आत्मा की, को ये बात तो स्पष्ट है, आत्मा के बिना, उस ईश्वरीय चेतना के बिना इस जीवन को जीवन तो नहीं कहा जा सकता, किसी भी रूप में नहीं। और हम जानते ही हैं कि जब वो चेतना अलग होती है, इस जीवन की संज्ञा क्या हो जाती है, ये जीवन मुर्दा शरीर की संज्ञा पा जाता है, डेड बॉडी की संज्ञा पा जाता है, वही जीवन होता है, लेकिन मुर्दा शरीर क्यों, वो चेतना नहीं। तो जीवन का महत्वपूर्ण अंग है चेतना। भारतीय अध्यात्म और पाश्चात्य भौतिकवाद, उसमें अंतर क्या है, केवल सीधा सा, बहुत सीधा सा, शरीर से प्रारंभ होकर शरीर को तुष्ट पुष्ट करते रहने तक और फिर शरीर तक ही सिमट कर रह जाने तक का जो विचार, जो चिंतन है, वो भौतिकवाद है। शरीर से संबद्ध जो स्थितियां हैं, बस उन्हीं की प्राप्ति, उन्हीं तक सिमटे रहना, वही जीवन, बस यहीं तक, ये भौतिकवाद है। और इसीलिए हर युग में आप देखेंगे भौतिकवाद और अध्यात्म कहीं ना कहीं आमने सामने। रावण भौतिकवाद का प्रतीक, क्यों, सब कुछ है, ईश्वर की किसी, ईश्वर को नहीं स्वीकारा गया, सब कुछ, धनवान बलवान ऐश्वर्यवान और तो और विद्वान, लेकिन राम को नहीं स्वीकारना, नहीं स्वीकारा गया। और दूसरी ओर विभीषण है, रावण की ने चरण प्रहारा, लात लगाई, बाहर निकाल दिया, सब कुछ छूट गया, लेकिन तब भी विभीषण ने राम को नहीं छोड़ा। और विभीषण जब बाहर निकलता है लंका से, ये तराने गुनगुनाता हुआ निकलता है, जिन पायन के पादुकिन भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो कहो इन नैनन अब जाए। विभीषण का चिंतन ये नहीं कि मेरे से सब कुछ छूट गया, यह है कि कोई बात नहीं, राम से सीधा मिलन होगा, क्योंकि चिंतन में राम बसे हुए हैं। जहां राम आगे हैं वहां अध्यात्म है। होली खूब खेली गई, खेली जाती है, लेकिन तत्व क्या है, अहंकार और विश्वास आमने सामने, अहंकार और विश्वास का झगड़ा, या भौतिकवाद और अध्यात्म। हिरण्याक्षपु नारायण को नहीं स्वीकारना चाहता, केवल भौतिकवाद की स्थिति, और प्रहलाद के लिए नारायण के बिना कुछ है नहीं। हिरण्याक्षपु कहता है कहां है तेरा नारायण, और प्रहलाद कहता है पिताजी ये नहीं पूछो मेरे से कहां है मेरा नारायण, मेरे से पूछना है तो ये पूछो कि कहां नहीं है मेरा नारायण, कहां नहीं है मेरा नारायण। अंतर विचार का, चिंतन का, सोच का, अध्यात्म। अध्यात्म क्या है, देखो अध्यात्म में ये नहीं, गीता में कहीं नहीं, और हमारे भारतीय मनीषा में, भारतीय ग्रंथ परंपरा धर्म की जो भी स्थितियां हैं उनमें ये कहीं भी नहीं
कि संसार का उपयोग ना करें, एक बात, व्यवहार ना करें, दूसरी बात, कहीं नहीं आप पाएंगे कि व्यवहार छोड़ दो, जो मिला है उसका उपयोग ना करो, ये कहीं नहीं, उपयोग करो, लेकिन जिसका है उसका मान कर उपयोग करो। उपनिषद कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजिथा मांग्रधा कस्य स्वीधनम, त्याग भाव से उपयोग। त्याग भाव क्या उपयोग है? त्याग भाव से आसक्ति पूर्वक उपयोग नहीं, अहम पूर्वक उपयोग नहीं, कामनाओं के बवंडर को साथ लेकर उपयोग नहीं, मुझे क्या मिलेगा इस भाव से उपयोग नहीं, मिला है मैं कैसे इसका सदुपयोग कर सकता हूं, मैं कैसे व्यापक हित में अपनी क्षमताओं को लगा सकता हूं, इस रूप में उपयोग, यह गीता का कर्म योग उपयोग हो। लेकिन वास्तविकता को आधार बनाकर, वास्तविकता का भाव साथ लेकर के उपयोग हो तो निश्चित उपयोग सदुपयोग हो जाएगा। तो गीता का जो चिंतन है वो वास्तव में बहुत दिव्यताएं अपने आप में लिए हुए है। बात जो मीरा की चली, चिंतन ऊंचा बना रहा, विष भी बदला, विष ने भी अपना स्वभाव बदला। और कभी भी कुछ ऐसा लगता हो कि जब कोई परिस्थिति विषैले रूप में पास है, कड़वाहट घोलना चाह रही है जीवन में, कोई परिस्थिति, कोई स्थिति, कोई बात, कोई हालात, उस समय गीता के चिंतन को साथ ले लो। विष को अमृत बना सकता है गीता का चिंतन, अर्थात विषैली परिस्थितियों की कड़वाहट के दुष्प्रभाव से बचा सकता है गीता का चिंतन। क्योंकि बाहर की परिस्थितियां सब की सब मेरे अनुकूल हो जाए, बाहर के कांटे खत्म हो जाए, ये तो नहीं लगता ना। हम पैर में जूता पहन लें हमें कांटा नहीं लगेगा। गीता में योग को कई जगह परिभाषित किया गया, मुख्य तीन, उसमें एक बात बस दो मिनट में कहकर गीता ने कहा, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, छठे अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण 23वां श्लोक। भगवान कहते हैं जो दुखों के संयोग का वियोग करवा दे वो योग है। बहुत गहरा भाव, बहुत गहरा भाव, और बड़े व्यवहारिक जीवन की प्रेरणा के रूप, दुखों के संयोग का वियोग करवा दे, अर्थात परिस्थिति की प्रतिकूलता ना हो, ये गीता ने कहा, इसके विषय में निश्चित नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े ये संभव है। ये सब, और ये कैसे, जैसे मीरा का चिंतन, विष को अमृत बना गया, प्रतिकूलता बाहर है, मेरा चिंतन उच्चता की स्थिति में, भाव की स्थिति में है, उसके प्रभाव से बचा जा सकता है। गीता की मानसिक समता, मानसिक समरसता, व्यवहारिक समता ईश्वरीय चेतना के भाव से बिल्कुल निश्चित बन सकती है। चिंतन में ईश्वरीय चेतना लाएं, मानसिक समत्वम योग उच्चते की स्थिति, व्यवहार में ईश्वरीय चेतना को सबके अंदर अनुभव करें, सद्भावना समता समरसता बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, रह सकती है। और आगे जो जीवन की तीन स्थितियां हैं कल हम उस पर विचार करेंगे, बुद्धि मन और शरीर, निर्णय करने की क्षमता बुद्धि है, विचार करने की क्षमता का नाम मन है, और कर्म करने की क्षमता का नाम शरीर है। गीता के तीन योग हैं, ये समता योग तो चेतना के साथ सीधा जुड़ा हुआ, उसके बाद गीता के मुख्य तीन योग, शरीर क्रिया शक्ति है, गीता का कर्म योग साथ ले लो, मन विचार शक्ति है, और विचार शक्ति बने रहें, ऊर्जा बने रहें, गीता का भक्ति योग ले लो, नहीं तो विचारों की उहापोह, बिल्कुल अंदर ऊर्जाहीन खोखलापन जीवन में ले आती, बिल्कुल ऊर्जाहीन जीवन, और कई बार जब देखता है उत्साहहीन जीवन, खोखला जीवन, ऊर्जाहीन जीवन, बस जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कुछ उत्साह नहीं, कुछ आत्मविश्वास नहीं, गीता का भक्ति योग मनोबल बढ़ाने के लिए।
कल एक संकेत किया था कि आज विज्ञान ने सुविधाएं बहुत बढ़ाई हैं, लेकिन हमें इसीलिए लगता है कि इस पावन ग्रंथ की बहुत बड़ी आवश्यकता है आज हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, सीमा पर खड़े सैनिकों के, हर क्षेत्र में प्रबल आवश्यकता है गीता की, प्रबल आवश्यकता। विज्ञान ने सुविधाएं बढ़ाई हैं लेकिन क्षमताएं कम की हैं, और बहुत वेदना होती है जब बच्चों को देखते हैं हम, बिल्कुल ढीला ढाला जीवन, बिल्कुल ऐसे लड़खड़ाया सा जीवन। आवश्यकता है, गीता क्षमताएं विकसित करने का ग्रंथ है, शारीरिक क्षमताएं कर्म योग के द्वारा, मानसिक क्षमताएं भक्ति योग के द्वारा, और बौद्धिक क्षमताएं गीता के ज्ञान योग के द्वारा, और उसके बाद समता, समरसता, सद्भावना का वातावरण गीता के आत्मचिंतन, आत्मयोग, ईश्वरीय चेतना के भाव को स्वीकार करके।